दोस्तों, आप भी अपने WhatsApp में ऐसे थीम, ऐसे वॉलपेपर इमेज और आप अपना खुद का फ़ोटो लगा सकते हैं WhatsApp के कीपैड में। इस तरह से आप मोबाइल के कोई भी कीपैड को यूज करेंगे तब आपको अपना फ़ोटो या पिक जो भी आप अपलोड करेंगे वही दिखाई देगा आपको, जो कि देखने में बहुत ही अमेजिंग है। सो दोस्तों, मेरा नाम है कन्हैया और आप देख रहे हैं टेक्निकल फुटेज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए, हमारे कीपैड में अभी भी कोई फ़ोटो पिक इमेज नहीं लगा हुआ है और हम आपको यहाँ पे कोई भी फ़ोटो पिक लगा के दिखाएंगे, वो भी बिना कोई अदर ऐप्स को इंस्टॉल किए। तो चलिए, इसके लिए हम अपने यहाँ के सेटिंग के जो आइकॉन दिख रहा है, हम इस सेटिंग आइकॉन को क्लिक कर लेते हैं। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है थीम का, तो हम इस थीम को यहाँ से क्लिक कर लेते हैं। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारा आपको पिक इमेजेज मिल जाएगा देखने को। इसमें से कोई भी इमेज को आप क्लिक करके अपने कीपैड के बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ से सबसे ऊपर में जो माय थीम्स का ऑप्शन दिख रहा है, प्लस आइकॉन पे क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद आपके फ़ोटो के गैलरी, मोबाइल के गैलरी में जितने भी फ़ोटो होंगे वो सारे यहाँ पर शो हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पर कोई भी फ़ोटो को चूज कर सकते हैं। तो चलिए, हम यहाँ से इस फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इस फ़ोटो को आप आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं, आपको जैसा ठीक लगे। इसके बाद हम इसे यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद एडजस्ट ब्राइटनेस का ऑप्शन है, हम इसे यहाँ से फुल कर देंगे। और फुल करने के बाद हम इसे यहाँ से डन कर देंगे। डन करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है की बॉर्डर्स का, इसे ऑफ ही रहने देंगे। अगर हम इसे यहाँ से ऑन करेंगे तो देखिए ये इस टाइप का दिखेगा, जो थोड़ा सा धुंधला हो जाएगा, इसलिए इसे हम कीबोर्ड्स को यहाँ से ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद ये बिल्कुल क्लियर दिखेगा, जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसके बाद यहाँ से जो अप्लाई का बटन दिख रहा है, हम इसे अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। और अप्लाई पर क्लिक करने के बाद ये हमारे व्हाट्सएप के कीबोर्ड में शो कर जाएगा। तो चलिए, हम आपको बैक होके दिखाते हैं। तो देखिए, हमारे WhatsApp के कीबोर्ड में ये बैकग्राउंड में ये फ़ोटो लग गया है। और यहाँ से हम कुछ भी चैट कर सकते हैं और ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आप भी अपने WhatsApp में ऐसे ही थीम लगा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही यूजफुल ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।